धनकौर क्षेत्र के देवटा गांव निवासी विजय शर्मा जी को करप्शन फ्री इंडिया के जिला संरक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। साथियों, आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो समाज में एक जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर एक अभियान चला रखा है, करप्शन फ्री इंडिया संगठन के संरक्षक हैं हमारे साथ प्रवीण भारतीय जी, जो देवटा गांव में पहुंचे और यहां सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे, एक मीटिंग अटेंड की और वहां इन्होंने लोगों को जागरूक किया यहां की जन समस्याओं को लेकर। ये गांव-गांव जाकर एक अभियान चला रखा है करप्शन फ्री इंडिया। आप जानते तो होंगे, एक ऐसा संगठन जो निस्वार्थ संगठन है, कोई राजनीतिक संगठन नहीं, लेकिन ये गांव-गांव जाकर लोगों को अपने से जोड़ने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में आज इन्होंने, विजय शर्मा जी हैं देवटा में, उन्हें अपने संगठन से जोड़ा। तो क्या कार्यक्रम हुआ प्रवीण भारतीय जी आज? शफी जी, पहले तो आपका विशेष धन्यवाद। आज गौतम बुद्ध नगर के देवटा गांव में करप्शन फ्री इंडिया संगठन की बैठक भाई विजय शर्मा जी के आवास पे संपन्न हुई है। गांव के सैकड़ों लोग मौजूद रहे और हमारी बैठक का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य गांव-गांव हम लोग बैठक कर रहे हैं और गांव-गांव लोगों को जागरूक करने के प्रयास कर रहे हैं कि राक्षस रूपी जो भ्रष्टाचार है, जो थाने चौकी या विभिन्न विभागों के दफ्तरों में गांव के अंतिम व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा है, उस न्याय को दिलाने के लिए करप्शन फ्री इंडिया संगठन जो है लड़ाई लड़ रहा है। और दूसरी एक जागरूकता बैठक हमारी यहाँ ये रही कि प्रदेश में शिक्षा नीति और चिकित्सा नीति एक समान हो, उसी सरकारी विद्यालय में एमएलए एमपी और जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे पढ़े, जहां मेरे गांव के गरीब किसान मजदूर दलित शोषित वंचितों के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से उसी तर्ज पे सरकारी अस्पतालों में जैसे मेरे गांव के गरीब लोगों का इलाज होता है, जहां दवाइयां तक नहीं मिलती, जहां डॉक्टर तक नहीं मिलते, उन लोगों के साथ साथ यहाँ के एमएलए एमपीओं का इलाज भी उनके क्षेत्र में, उनकी विधानसभा, उनकी लोकसभा या उनके जनपद में पड़ने वाले जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें वहां के जनप्रतिनिधियों का इलाज हो, ताकि जो कानून बनाने वाले लोग हैं, जो विधानसभा लोकसभा में कानून बना रहे हैं, वो लोग हमारे हितों में, देश और राष्ट्र के हितों में काम कर सके। समानता की आज हमारे देश में एक देश एक कानून की बात हो रही है, तो एक समान शिक्षा और चिकित्सा की बात क्यों नहीं हो रही? ये शिक्षा में और चिकित्सा जो देश के लोगों की मूलभूत सुविधा है, मूलभूत मांग है, इस मूलभूत मांग में दोहरी नीति क्यों? इस दोहरी नीति को समाप्त करने के लिए करप्शन फ्री इंडिया संगठन 23 मार्च भगत सिंह बलिदान दिवस के अवसर से एक आंदोलन हम लोगों ने छेड़ा है। हम उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जाएंगे और 75 जिलों में जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे और प्रदेश को बाध्य करेंगे कि विधानसभा में, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा कानून बने जिसमें शिक्षा नीति और चिकित्सा नीति समान हो। बाकी आगे हमारे संगठन के जो नहीं, आज ये विजय शर्मा जी को यहाँ जिम्मेदारी दी गई, क्या जिम्मेदारी दी गई? आज विजय शर्मा जी को गौतम बुद्ध नगर की जो जिला कार्यकारिणी है, उस जिला कार्यकारिणी में जिला संरक्षक का जो है दायित्व दिया है और अब आप जिला संरक्षक के रूप में करप्शन फ्री इंडिया संगठन की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को गौतम बुद्ध नगर के एक एक गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो विजय शर्मा जी, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है एक ऐसे संगठन में जो निस्वार्थ संगठन है, समाज के लिए काम करता है, तो आप क्या कहेंगे विजय जी? धन्यवाद आपका सभी भाई और धन्यवाद हमारे करप्शन फ्री इंडिया के संस्थापक और प्रदेश संरक्षक डॉक्टर दीपक शर्मा जी का भी, इन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं इस जिम्मेदारी को पूरे बखूबी, जहाँ तक कोशिश हो गई, ईमानदारी और सच्चाई के साथ निभाऊंगा और अपने गांव में जो गांव की मूलभूत सुविधाएं या क्षेत्र की हैं उन्हें जोर शोर से उठा के और लोगों का मतलब पूर्ति कराने की कोशिश करूंगा। अच्छा दीपक जी, आप यहाँ बड़े पदाधिकारी हैं और काफ़ी यहाँ मीटिंग अटेंड करते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं, आपका अंदाज भी बिल्कुल अलग है, तो एक ये अभियान चलाने जा रहे हैं आप, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक तो चीज मैं ये कह देना चाहता हूँ कि करप्शन फ्री इंडिया में पद जिम्मेदारी है, पदाधिकारी के रूप में वो अधिकारी नहीं है, क्योंकि अधिकारी जो काम नहीं कर रहे हैं उनको हम ये मानते हैं कि भारत का कानून कहता है वो सेवक हैं, और इसी तरह से अगर करप्शन फ्री इंडिया में भी कोई पदाधिकारी है तो वो सेवक है, तो हम सेवक के रूप में अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने लोगों के प्रति जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जिसका संविधान के अनुच्छेद 51A में भी उल्लेख है कि भारतीयों के कर्तव्य क्या हैं, उस कर्तव्य को पालन करने
और उस कर्तव्य के तहत यदि हम दो शब्द ठीक से पढ़ गए हैं तो अधिकारियों को उनके जिम्मेदारी का एहसास दिला के अपने देश और गांव को बेहतर बनाने का प्रयास करना है। एक मूवी आई थी स्वदेश, उसमें शाहरुख खान का डायलॉग था कि कोई भी देश परफेक्ट होता नहीं है, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। उसे परफेक्ट बनाने के लिए करप्शन फ्री इंडिया काम कर रहा है। अच्छा साथियों, आपने देखा करप्शन फ्री इंडिया की ये टीम यहाँ देवटा में आई और यहाँ विजय जी को जिम्मेदारी भी दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये संगठन एक निस्वार्थ रूप में काम कर रहा है, लोगों को जागरूक करता है वहाँ की समस्याओं के लिए, चिकित्सा से जुड़ी, स्वास्थ्य से जुड़ी, और उसके लिए काम भी करता है, जिसमें उन्हें बड़ी महत्वपूर्ण कामयाबी भी मिली है। तो आज विजय जी को जिम्मेदारी दी गई जिसके तहत यहाँ कार्यक्रम हुआ, सैकड़ों लोग जुटे और वहाँ दर्जनों लोगों ने सहमति जताई इस संगठन से जुड़ने के लिए।